मैं बृष्टि सेनापति, मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ यहाँ पे बीजू पटनायक कॉलेज में पढ़ने के लिए। एक्चुअली पोखरण दिवस के बारे में मेरे को एक्चुअली पहले से कुछ पता नहीं था, तो यहाँ पे आने के बाद ही मेरे को पता चला कि इसको भी अलग से सेलिब्रेट किया जाता है, इसको भी अलग से डेकोरेट किया जाता है, इसको भी अलग से मनाया जाता है। तो उस बात को जो मेरे को पता चला, मैं बहुत खुश हुई कि हाँ कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो जितना सारे डिशेस है, यहाँ पे हम लोग आज 5-6 आवर्स तक लेके 17 डिशेस बनाए पोखरणों के साथ खाने के लिए। तो खाया हुआ है सब कुछ, बाकी वही एक नया चीज़ कि हाँ मेरे को पता नहीं होता था कि इसको अलग से एक दिन की तरह मनाया जाता है, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। और बाकी यहाँ पे जितना भी डिशेस है, सुक्वा का कुछ डिशेस, आलू का कुछ डिशेस, भिंडी का, देन हो गया मछली का, मेरे को सब डिशेस ही बहुत पसंद लगता है। और बेसिकली मैं पोखरणों के साथ मछली और आलू ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं पर्सनली बहुत नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं बिल्कुल वेज खाना पसंद नहीं करती। बाकी सब्ज़ी वगैरह भी खाती हूँ और मेरे को मछली पकौड़ों के साथ बहुत पसंद है। एक्चुअली हम लोग को आज सर्विस के लिए बोला गया था, मैं सर्विस का तो वैसे कुछ की नहीं, जो काम मेरे को दिया गया मैं वही कर रही हूँ। और हम लोग को बोला गया ये एक कल्चरल थिंक है, जैसे पोखरण दिवस है कल्चरल थिंक है, तो एक कल्चरली अगर उसको सर्विस किया जा सकता है तो बहुत अच्छा होगा वो चीज़। तो हम लोग को बोला गया कि उड़िया स्टाइल में साड़ी पहन के आने के लिए। मैं पर्सनली साड़ी पहनना बहुत पसंद करती हूँ और पहनना भी आता है मेरे को, मतलब ऑलमोस्ट हर टाइप का साड़ी पहनना मेरे को आता है। तो बस उसी हिसाब से हम लोग पहन के आए और आज सर्विस कर रहे हैं। जो बात है ना पिज़्ज़ा बर्गर, वो आजकल सबको ही खाते हैं, यंग जनरेशन खाएंगे और उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में वो ऐसा एक जगह लेके बैठ गया, उसको हम हटा भी नहीं सकते। बाकी ये जो पोखरणों है, अगर हम लोग इसको सेलिब्रेट ना करें तो ये यंग यूथ से ये बहुत दूर चला जाएगा और एक टाइम के बाद खो जाएगा, जिसको हम ये सर। तो उसको भी एक हम कोशिश में थे कि हाँ ये यंग यूथ के सामने थोड़ा प्रमोट किया जा सकता है पोखरण दिवस, तो उसके वजह से भी हम लोग सेलिब्रेशन किए।